हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। एंड आज हम ये फोटो एडिटिंग करने लगे हैं एंड बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सबसे पहले स्टेप से, जो है खुद की फोटो को मॉडिफाई। तो इसको मैं यहाँ पर शेयर पे क्लिक करा एंड ऐड टू लाइट रूम। तो ये जी मेरी फोटो। सबसे पहले ना यहाँ पर लाइट होती है, लाइट पर जाऊँगा मैं एंड यहाँ से थोड़ा एक्सपोजर में बढ़ा दूंगा। बिफोर आफ्टर थोड़ी सी एक्सपोजर बढ़ा दिया एंड अब शेडोज ये मैं थोड़े से ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो देखते हैं हम बिफोर आफ्टर एंड इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा मिक्स के अंदर, कलर टैब में मिक्स के अंदर पीछे से स्टार्ट करूँगा। ये पर्पल कलर की सेचुरेशन -100, मजेंटा की -100, ब्लू की -100, एक्वा की -100, ग्रीन की -100, येलो की नहीं, इसकी -100 नहीं करनी, इसकी 0 ही रहने देते हैं। ह्यू को मैं कर देता हूँ -6 एंड ल्यूमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ल्यूमिनेंस ऑरेंज की भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं एंड बाकी रेड को ऐसे ही रहने देते हैं। तो बिफोर आफ्टर। अब ना कैसे जो फ़ोन की फ़ोटोज़ होती है ना, जब एडिटिंग करो ना क्वालिटी थोड़ी सी बाद में मतलब कई बार ज़्यादा ही हो जाती है, कम हो जाती है मतलब, तो इसलिए मैं क्लैरिटी यहाँ से पहले ही बढ़ा देता हूँ ताकि बाद में जो कम हो ना तो ज़्यादा कम ना लगे मतलब। तो यहाँ से मैं 16 कर दी मैंने एंड टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको भी हम 20 कर देते हैं ताकि बाद में ज़्यादा इफेक्ट ना करें हमारी फ़ोटो पे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने करी हैं, ऊपर से शेयर पे क्लिक करा एंड मैंने कर दिया सेव टू डिवाइस। यानी कि मेरा पहला स्टेप यहाँ पर कम्प्लीट होता है, खुद की फ़ोटो को मॉडिफाई कर दिया। और दूसरा स्टेप बैकग्राउंड को मॉडिफाई। पहले तो इसको हम लेकर चलते हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर एंड इसके अंदर हमने दो चीज़ें करनी है। एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ना लाइट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने आगे खड़े होना है, तो अगर मैं आगे खड़े हो जाऊँगा तो लाइट कम होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ गए। तो वो कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर जस्ट मैं जाऊँगा सिलेक्टिव टूल के अंदर एंड यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स अपना आगे सिलेक्शन कर देते हैं हम यहाँ पर गाड़ी के ऊपर। तो कितने एरिया के ऊपर इफेक्ट करे वो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड जब एरिया सिलेक्ट हो जाए तो ब्राइटनेस को सिलेक्ट करा, अगर नहीं सिलेक्ट हो तो ऐसे लेफ्ट राइट करके हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो करनी ही नहीं, कम ही करनी है, तो ऐसे मैं इसको कम कर दूंगा। ठीक है जी। बिफोर आफ्टर यहाँ से डन। अभी जो दूसरी चीज़ मैंने स्नैपचैट के अंदर करनी थी वो है ब्लर इफेक्ट, लेंस ब्लर। तो यहाँ पर यार लेंस ब्लर ये लाइनों वाला कर देते हैं, इसको उठाकर ना थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ, बस यहाँ से डन। तो ये बैकग्राउंड पहले थी, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है जी, डन पे क्लिक करा, फोटो को होगा, फोटो को कर दिया सेव। एंड अब गाइस बारी आती है तीसरे स्टेप की, जो है स्किन को स्मूथ करना। तो उसके लिए मैं यूज़ करने लगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का, इसको हम लेकर चलते हैं अभी सीधा सीधा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेयर्स पर जाकर फोटो की ना एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली मैंने। अब यहाँ पर टूल्स पर जाकर ये स्मच कैटेगरी अंदर पीछे से तीसरा वाला ब्रश, ये इसकी आसान सी सेटिंग्स है। ये एडवांस के अंदर हार्डनेस 0 रखी हुई मैंने एंड ये शेप सॉफ्ट सर्कल वाली। ठीक है जी। अभी हम जूम करके बढ़िया सा स्किन को स्मूथ कर देते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने स्किन को स्मूथ कर दिया, लेकिन अभी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं थोड़ी सी कम करूँगा इसकी ओपेसिटी, इसलिए डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी। तो ये 86 मैंने वैल्यू रखी है, पहले 100 थी एंड अभी दोनों लेयर्स को एक ही बना देते हैं, यानी कि मर्ज ऑल कर देते हैं। एंड अभी हमारा चौथा स्टेप जो है बैकग्राउंड को रिमूव करना, उसके लिए नीचे ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं कलर सा भर दूंगा येल्लो सा, ताकि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने में आसानी हो। एंड अभी ये मेरी वाली लेयर ही सिलेक्टेड है एंड मैं यहाँ से ऊपर टूल्स पर जाकर या जो भी इसको लाइब्रेरी कहते हैं, लाइब्रेरी पर जाकर ये डिज़ाइनर कैटेगरी के अंदर पीछे से दूसरी वाली इरेजर। ठीक है जी। ये बेसिक सेटिंग्स, ये एडवांस सेटिंग्स। साइज ना मैं साथ साथ में एडजस्ट भी करूँगा जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी। एंड इस वाली जो ये सर्कल है ये थोड़ा सा हार्ड वाला सर्कल है, हार्डनेस की 100 है। अभी जूम करके ना बढ़िया सा पहले मैं किनारे किनारे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि बाकी का पार्ट तो फिर बाद में आसानी से हो जाता है।
तो यहाँ पर कैसे मैंने सारी सिलेक्शन बना दी है। अभी मैं ना यहाँ से अलग अलग कलर्स भर के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ गलतियाँ आती हैं वो एक ही कलर पे नज़र नहीं आती। तो सब बढ़िया हो गया। एंड अभी यहाँ से ना बैकग्राउंड को मैंने कर दिया बंद, अभी पीछे से बिल्कुल खाली है। एंड अभी इसको हम शेयर पे क्लिक करके एंड यहाँ से मैं कर दूंगा सेव टू डिवाइस। तो यहाँ पर गैस मेरे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। एंड हमारा 5th स्टेप खुद के पीछे नई बैकग्राउंड को ले आना। यहाँ पर मैं खुद की फोटो को लेकर चलता हूँ पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। यहाँ पर पहले टूल्स पर जाकर ना यहाँ से रीसाइज में चेक कर लेता हूँ ये रेजोल्यूशन, ठीक मुझे आइडिया हो गया इतनी है। एंड अभी यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा ड्रॉ के अंदर। एंड अभी नई बैकग्राउंड को लेकर आते हैं ऐड फोटो। एंड बैकग्राउंड हमारी होगी स्नैपचैट वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई किया था। एंड अभी इसको पीछे की तरफ हम यहाँ पर लगा देंगे। एंड अभी खुद को उठा कर ना यहाँ लेयर में से ऊपर रखना है। एंड अभी यहाँ से ट्रांसफॉर्म। बाकी मैंने ना शायद फोटो को क्रॉप करूंगा, मैं पूरी फोटो ना रखूँ, कि लेग्स का पार्ट नीचे से ना जो है वो मैं शायद क्रॉप कर दूंगा, लेकिन अभी देखते हैं। एंड यहाँ से मैं डन कर दूंगा। एंड मुझे लग रहा है मेरी ना कुछ एजेस हैं जहाँ पर थोड़ी सी कमी लग रही है, मैं इरेजर से उसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस खुद के पीछे नई बैकग्राउंड लग चुकी है। अभी हमारा 6th स्टेप एड एक्स्ट्रा इमेजेस। तो मतलब एक ही फोटो उसको बार बार लगाएंगे, बास्केटबॉल लगानी है, हमारा जो कॉन्सेप्ट आज का बास्केटबॉल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से भाई डन कर देते हैं। एंड अभी यहाँ से इंटरनेट को ऑन करा हमने। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा सीधा सीधा स्टिकर के अंदर। अरे भाई कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा। हाँ तो अभी यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बास्केटबॉल। एंड ये पहली लाइन में ये तीसरी वाली बॉल है, इसको मैं लेकर आ जाता हूँ। अभी बॉल को ना अगर ऐसे घुमाऊंगा बॉल के ना एक साइड पे, यहाँ यहाँ पर ये वाली साइड पे ना देखिए यहाँ पर लाइट थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसको मैं लाइट के पास में रखूंगा ताकि लगे भी लाइट का इफेक्ट ना बॉल के ऊपर आ रहा है। अभी ना ये बॉल के ना मैं कॉपीज बना लूंगा कुछ, उनको अलग अलग जगह पर लगा देते हैं, यहाँ से बस डुप्लीकेट करते जाना। इसको तो हम बाद में ब्लर भी कर देंगे, अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं। और सबको ना मैं ऐसे थोड़ा घुमा के लगा रहा हूं ताकि एक जैसा ना लगे। नीचे वाला हिस्सा तो शायद ना ही है, क्रॉप हो जाए, बाकी कम कर देते हैं। तो यहां पर गाइस मैंने ये 5 बॉल्स को लगा दिया। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट होता है, तो याद मैं डन कर दूंगा। एंड अभी हमारा 7th स्टेप कार की लाइट। तो कार की थोड़ी सी लाइट बनाते हैं ड्रॉ के अंदर जाकर, बहुत ही आसान सा काम है यार। याद है बस वाइट कलर को वाले सेलेक्ट करा, ब्रश मेरा ये वाला 15% ओपेसिटी रखी हुई है, साइज में उसको बड़ा ही कर देता हूँ, हार्डनेस 1, जूमेबिलिटी ऑन। एंड बस यहाँ पर ना ऐसे लाइट का इफेक्ट सब बना देना। तो बिफोर आफ्टर लाइट आ गई, लेकिन थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 100% ओपेसिटी है, एंड इसको थोड़ी सी हम कम कर देंगे। तो ओपेसिटी को मैंने कर दिया 50 ताकि लाइट का इफेक्ट भी बढ़िया सा आ जाए। एंड दूसरी लाइट को भी ऑन कर देते हैं, दूसरी लाइट गुस्सा कर जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर भी लाइट का इफेक्ट बना देते हैं, लेकिन वो शायद क्रॉप ही हो जाए मुझे अभी लग रहा है। कोई बात नहीं, तो यहाँ से मैं कर दूंगा सेव इमेज। तो यहाँ पर गया हमारा 8th स्टेप ओवरऑल लुक मॉडिफिकेशन पार्ट 1। उसके 2 पार्ट्स में करेंगे, ओवरऑल लुक को मॉडिफाई करने के 2 पार्ट करेंगे। पहले वाला पार्ट के अंदर हम इसको लाइट रूम के अंदर लेकर चलते हैं फोटो को। तो यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ इसको ऐड टू लाइट रूम, इसको कर देते हैं ऐड टू लाइट रूम। एंड यहाँ पर ये ना कुछ टूल्स हैं, इनकी वैल्यूज को मैं एडजस्ट करके थोड़ा थोड़ा इसको और भी बढ़िया बना दूंगा। थोड़ा थोड़ा क्या मतलब, बढ़िया बनाएंगे इसको हम।
यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट्स कर दिया एंड इससे मेरी फोटो ये थी बिफोर, बढ़िया होगी जी। अभी शेयर पे क्लिक करा, सेव टू डिवाइस, तो 8 स्टेप्स कंप्लीट। अब मेरा 9th स्टेप, तो ये भी ओवरऑल लुक मॉडिफिकेशन, लेकिन ये पार्ट 2 है। ओवरऑल लुक को मॉडिफाई से करेंगे लेकिन इसका पार्ट 2 है। तो यहाँ पर हम अपनी फोटो को लेकर चलेंगे स्नैपशीट ऐप के अंदर। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर ना फोटो को क्रॉप करने लगा हूँ, तो यहाँ से मैं फ्री क्रॉप ही करने लगा हूँ सबसे पहले वाला। लो जी, क्रॉप हमने कर दिया। एंड अभी दूसरी चीज मैंने करनी है वो है ये जो पीछे वाली बॉल है एंड ये आगे वाली एक तो बॉल है, इनको थोड़ा सा ब्लर करेंगे। तो टूल्स पर जाकर लेंस ब्लर, ये लाइन वाला कर लेते हैं, इसको उठाकर ऊपर रखा, ये बॉलों को ब्लर कर दिया थोड़ा सा। एंड यहाँ पर ना वीनियट होता है, इसको बंद ही कर देते हैं। हाँ डन, अभी ज़्यादा ब्लर हो गया तो व्यू एडिट्स एंड यहाँ पर इफेक्ट को बंद कर दिया यहाँ से। अब इसकी वैल्यू को नीचे से ये मैंने 100 रखा हुआ है। पहले तो ये बॉल को ना ब्लर कर देते हैं। फिर इनको भी थोड़ा थोड़ा कर देते हैं जो आगे वाली है। ठीक है जी, यहाँ से डन, यहाँ से बैक। अब यहाँ पर गाइस नेक्स्ट चीज मैंने करनी है वो डॉल एंड बर्न इफेक्ट, तो वो होता है ब्रश के अंदर। तो ब्रश के अंदर मैं जाऊंगा एंड यहाँ से ना ये पहले वाला ही है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से नीचे से कर दिया मैंने 5 एंड यहाँ से थोड़ी सी चमक ऐड कर देते हैं, टॉर्च चमक बिफोर आफ्टर। एंड अभी थोड़ा सा बर्न इफेक्ट, तो वैल्यू को मैं रख रहा हूँ जैसे -5 या थोड़ा सा शेड इफेक्ट आ जाएगा डार्क डार्क सा, तो वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम देखते हैं बिफोर आफ्टर, बढ़िया हो गया जी यहाँ से डन। अभी नेक्स्ट गाइस यहाँ पर मैं टूल्स पर जाकर यहाँ से चूज करूंगा ग्लैमर ग्लो इफेक्ट। एंड यहाँ पर ये कुछ अलग अलग से इफेक्ट होते हैं, जो भी फोटो पे अच्छा लगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। भाई ये लास्ट वाला यूज़ करूंगा, लेकिन इसमें जो वार्म था ना वो मैं कम कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा येलो येलो सी फोटो हो जाएगी, वो मुझे अभी नहीं चाहिए। तो वार्म को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एंड ग्लो की वैल्यू को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा बिफोर आफ्टर, बढ़िया जी यहाँ से डन। अभी नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सिलेक्टिव टूल का। तो इससे ना हम अलग अलग जगह पर पॉइंट्स बनाकर ना उनकी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये गर्दन के ऊपर मुझे सैचुरेशन ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया, एरिया को सिलेक्ट करा एंड ऊपर नीचे करके ना जिस भी चीज़ की वैल्यू को चेंज करना उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सैचुरेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अभी सैचुरेशन की वैल्यू को कम ज़्यादा करना है वो लेफ्ट राइट, ऐसे सैचुरेशन ज़्यादा होगी ये कम होगी। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग जगह पर पॉइंट्स बनाकर वैल्यूज को एडजस्ट करूंगा ताकि फोटो और भी बढ़िया बन जाए।
तो यहाँ से मैं कर दूंगा डन। नेक्स्ट कैसे मैं यहाँ पर डिटेल्स इफेक्ट का यूज़ करने लगा हूँ, तो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं रखेंगे हम। तो यहाँ से मैंने डन करा, व्यू एडिट्स, एंड यहाँ पर इसका ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे डिटेल्स का, इफेक्ट को बंद कर दिया। फिर जहाँ पर ज़रूरत है बस वहीं पर ही इसको मैं यूज़ करूँगा। वैल्यू मैं रख रहा हूँ 75। यहाँ से डन एंड यहाँ से आ जाएंगे बैक। अभी यहाँ पर गाइस लास्ट चीज़ मैं जो करने वाला हूँ ना, वो ट्यून इमेज पर जाकर थोड़ी सी ब्राइटनेस मैंने कम करी। यहाँ से डन। अभी व्यू एडिट्स के अंदर जाकर ना नीचे से थोड़ा सा मैंने डार्क सा करना है, तो इसके ब्रश को मैंने सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर ना वैल्यू को मैं नीचे से रख रहा हूँ 25 कर देते हैं, हल्का सा मैंने करना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं। मैंने इफेक्ट को मैंने बंद करा, अभी 25 वैल्यू रख के ना बस नीचे से ऐसे हल्का सा डार्क सा कर देना, तो ये हल्का सा इफेक्ट आ रहा बस। एंड यहाँ से डन, यहाँ से आगे बैक। अभी गाइस मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा डन के ऊपर। तो यहाँ पर गाइस हमारा लास्ट स्टेप जो है कमी पेशी दूर करना, तो इसके लिए मैं फोटो का ना फिर से पिक्सा टाइप के अंदर लेकर जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या क्या कमियाँ लग रही हैं जो जो मुझे। एक तो यहाँ पर ना ये मेरे हाथ के साथ में, मेरे आर्म के साथ में यहाँ पर ये किनारा सा आ रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं टूल्स पर जाकर यहाँ से क्लोन टूल का यूज़ करके कर दूंगा। तो इसमें जस्ट ऐसे पॉइंट्स सा बनाना होता है एंड फिर ब्रश को यूज़ कर देना। लेकिन ब्रश की ना हार्डनेस कम लग रही है, हार्डनेस वैसे मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिफोर आफ्टर, तो पहले ये लाइन से आ रही थी तो ये अभी हट गई है, अभी ठीक है ये चीज़। अभी दूसरी चीज़ मैंने करनी है वो है ये बास्केट बॉलर को थोड़ा सा मोशन ब्लर करना। तो इफेक्ट्स के अंदर जाकर ना यहाँ से ब्लर और यहाँ से मोशन ब्लर। तो यहाँ पर कैसे मैंने सेटिंग्स से कर दी हैं, अभी इरेज पर जाकर ना यहाँ से करूँगा इन्वर्ट एंड रीस्टोर वाले ब्रश से सिर्फ बॉल को ही मैं ब्लर कर दूंगा। बाकी दोनों बॉलों को भी कर दे थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ से डन, अभी देखते हैं बिफोर आफ्टर। बढ़िया जी, थोड़ा सा नीचे से और कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया, यहाँ से डन। तो अभी सीधा सीधा हम चलते हैं यहाँ से ड्रॉ के अंदर, क्योंकि क्योंकि हमने फोटो को सेव करना भाई। तो थ्री डॉट्स पे क्लिक, फोटो को करा सेव इमेज। एंड अभी हम ये वाली फोटो की डिटेल्स चेक कर लेते हैं पहले। तो ये है जी 3.08 MB, ठीक है जी। जूम करके भी चेक कर लेते हैं तो बढ़िया जी। फ़ोन से क्लिक करिए, फ़ोन में एडिट करिए, उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।